Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. हम जीवन में बहुत सारे विषयों पर सीखते रहते हैं। कुछ लक्ष्य होता है जीवन में हमारा कि हमको ये हासिल करना है, हमको अच्छा बनना है, हमको सफलता हासिल करनी या जो भी है। तो ये सब हासिल करने के लिए बाहर से इशारे भी हमें मिलते रहते हैं और बहुत सारे रास्ते भी हमें मिलते रहते हैं। परंतु खुद की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाहर से जो रास्ता मिलेगा वो सबके लिए एक ही रास्ता सेम उसी तरह से काम करेगा ये जरूरी नहीं होता है, ऐसा होता भी नहीं। इसके लिए हमारी एक भूमिका होती है कि हम अपने मार्ग को पहचाने, हम अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन करें कि हम जो चाह रहे हैं और जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम आदतों को बदलने के अभ्यास के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी आदतों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुस्कुराहट रहे चेहरे पे, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हमारे को गुस्सा नहीं आए, हमारे में देने का भाव हो, हमारे में लालच नहीं हो, हमारे लिए ईर्ष्या नहीं हो। जो भी हम चाहते हैं और उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास भी करते हैं, पर इसके साथ साथ हमें मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। केवल किए जा रहे हैं, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि परिणाम उतने नहीं आए, तो मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करके और उसके अनुसार जरूरत को समझना और जरूरत के अनुसार अपने आप को ढालना, ये एक एक्टिविटी जो है सबको बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है। जो बाहर से देने वाला है वो अपना अनुभव से कुछ भी आपको बता सकता है, सबके थोड़े बहुत अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं। तो मूल्यांकन करना अति आवश्यक है और मूल्यांकन करके उसके अनुसार अपना रास्ता निर्धारित करना, ये दो ही काम करने हैं। बाकी तो हम सब कर ही रहे हैं, बाकी में तो कोई कमी है नहीं। समय भी हम दे रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन सोच के वो हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा तो कितना हो रहा है, क्यों नहीं हम श्रेष्ठतम की ओर जा सकते हैं, थोड़े में क्यों रुक जाना, थोड़े में क्यों मान लेना, थोड़े में क्यों संतुष्ट हो जाना, या नहीं हो पा रहा तो क्यों अपने आप को हार मान लेना। कहूंगा मैं कि अगर कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो हार क्यों मान लेना, कम हो रहा है तो क्यों स्वीकार कर ले, वांछित गति से बहुत स्लो हो रहा तो क्यों स्वीकार कर ले, ये किसने किया, ये तो स्वयं ने किया ना। तो स्वयं को अपने आप को उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी। हम बार बार चर्चा में कहते रहते हैं कि बाहर से इशारे मिल सकते हैं, समाधान तो स्वयं को ही खोजना होता है।
तो हम जो यहाँ पे सीखते हैं उसमें हम अपनी आदतों को बदल कर एक श्रेष्ठतम इंसान बनने की ओर आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं, पूछते हैं, सीखते हैं कि जो भी हमें दुनिया में दिख रहा है अच्छे से अच्छा वैसा, उसकी सारी अच्छी आदतें हमने भी हो और कोई भी खराब आदत हो तो हमने नहीं हो। केवल चाहने से हो जाएगा क्या? चाहने से तो नहीं हो। कार्यशाला में आने से हो जाएगा क्या? आने के बाद उस पे कुछ और भी करना पड़ेगा। आने के बाद निरंतर हमको अपने रास्ते का, अपने मार्ग का, हम जो कर रहे हैं उसको मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करते हुए उस रास्ते को प्रतिदिन सुधारते रहना। सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। सीखने वाले ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से इशारे से सीख कर बहुत ज्यादा सीख जाते हैं। सीखने वाले ऐसे भी होते हैं कि बहुत कुछ सीखने के बाद भी उतना नहीं हासिल कर पाते। तो ये किस पे निर्भर हुआ? ये स्वयं पर निर्भर हुआ। ये कला किसके पास? ये कला स्वयं के पास है, किसी और के पास नहीं, स्वयं के पास। जैसे हम श्रेष्ठतम इंसान बनना चाहते हैं, जैसे हम श्रेष्ठतम बिजनेस भी करना चाहते हैं कि हम इस बिजनेस में सफल होए, सफलतम होए, सबसे ऊपर, ये सबकी इच्छा तो रहती है और रहनी भी चाहिए, क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि इसमें सफल होने का मतलब कुछ भी गलत नहीं है। इसमें सफल होने का मतलब आप सब कुछ ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, ये एक प्रमाण है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सफल होना भी प्रमाण। तो अपने आप को जांचने का एक बढ़िया तरीका है कि हम अपने बिजनेस में निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। हम उतने सक्षम बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके, हम अपनी टीम का निर्माण कर सके, हम अपने साथियों के साथ कुछ अच्छी बेहतर प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ सके, हमारे अंदर वो प्रतिभा का विकास हो जाए कि हम अपने सिस्टम के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में या जो भी है बात करना उसको प्रभावशाली तरीके से कह पाए, हम इतने सक्षम हो जाएं कि हमारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि हर कोई हमको सुनना, हमारे साथ रहना, हमारी बातें मानना पसंद करे। हमें इतनी योग्यता हो कि हम एक बेहतरीन प्लानिंग कर सकें, हमें इतनी योग्यता हो कि हम बेहतरीन तरीके से उस प्लानिंग को हकीकत में बदल सकें, उसको कहते हैं एग्जीक्यूट कर सकें। ये सब तो होना चाहिए ना, ये क्यों नहीं होना चाहिए? और बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। अगर इसमें कोई कमी लग रही है तो कमी को स्वीकार नहीं करना है, फिर अपने आप को चेक करना है और कहां और सुधार करना है, क्या बदलना है। क्या बदलना है इसमें कभी भी संकोच नहीं करना। हम जो कर रहे हैं उसको कभी भी श्रेष्ठ नहीं मानना। हम जो कर रहे हैं उसमें हमेशा ऐसा मानना कि नहीं हम ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। अगर हमने श्रेष्ठ मान लिया तो हमें क्या दिक्कत आएगी कि हमें बदलने की इच्छा कम हो जाएगी।
अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को ठीक मानना, ये प्रगति की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। अपने आप को बदलने से वो रोक देती है। तो क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। अपने आप को कभी भी ठीक मानना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। अपने आप को हमेशा ये मानना है कि अभी मुझे और ठीक होना है। अगर हम बदलाव के लिए निरंतर तैयार रहेंगे तो हम कुछ भी बन सकते हैं। हमारे पास, हमें अपने आप को जांचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो यानी हमें अपने आप को बहुत बदलने की जरूरत है। ग्रोथ कर पा रहे हैं लेकिन स्लो ग्रोथ है तो भी बदलाव लाना। ऐसा नहीं कि ग्रोथ कर पा रहे हैं लेकिन स्लो है तो हमने अपने आप को ठीक मान लिया। ठीक तो कभी मानना ही नहीं। हम बहुत अच्छी ग्रोथ कर पा रहे हैं तो हम मूल्यांकन करेंगे कि जो तरीके अच्छे काम कर रहे हैं उन पे और ज्यादा ध्यान देंगे और जो तरीके काम नहीं कर रहे हैं उनको तो बदलेंगे। तो मूल्यांकन जीवन में बहुत जरूरी है और बदलाव जीवन में बहुत जरूरी है। और तीसरा क्या है, अपने आप को ठीक नहीं मानना, ये भी बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा यही है, सबसे बड़ी बाधा। ये जनरल एनालिसिस करेंगे ना, हमको दिखता है, मुझे भी दिख रहा है, तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे दूसरे लोग गलत है, दूसरे ठीक नहीं है। उससे ज्यादा मैं अपने बारे में सोचूं पहले कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूं, ये मेरे लिए जरूरी है। अगर मैं ये सोचता रहूंगा कि मैं तो ठीक हूं, मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों को बदल कर आगे बढ़ जाऊंगा, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं अपने आप के लिए खड़ी कर रहा हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, सारा प्रयास दूसरों को बदलने में लगा है, दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा। वो ऐसा नहीं कर रहा इसलिए नहीं हो रहा, इस चीज में लगा। हमें जिनसे जो करवाना चाहते हैं, चलो ये भी एक मान लेते हैं कि जिनसे जो करवाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। हम उनसे ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं, सत्य ये है। जो मेरी टीम है मैं उनसे ऐसा नहीं करवा पा रहा, सत्य ये, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सत्य ये नहीं। सारा रास्ता किसके पास है, मेरे पास। मैं अपने आप को बदलूंगा तो कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। तो तीन सूत्र जो हमें ध्यान रखना है, जो भी चाहते हैं हम
उसमें समझौता नहीं करें, समझौता मत करो। जो चाहते हैं वो चाहते रहो, जल्दी से हार मत मानो, थको मत, रुको मत, नहीं ऐसा ही करना। कहते हैं ना कि इरादे मत बदलो, तरीके बदलो। हम तरीके पे रुक जाते, इरादे बदल लेते, चलो इतना ही हो पाएगा, इसी में मान ले, समझौता कर ले। तो जो चाहते हो वो चाहते रहो, मूल्यांकन निरंतर करते रहो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा सही नहीं है, किसको बदलना, बदलना क्या क्या है, ये मूल्यांकन करना। और तीसरा सूत्र क्या है, गलत मैं हूं, दूसरे गलत नहीं है। जिनसे जो करवाना है उसके लिए मुझे अपने भीतर बदलाव लाना है, मुझे प्रभावशाली बनना है, मुझे वैसा सिखाने वाला बनना है, मुझ में कुछ ऐसा चेंज लाना है कि मैं अपनी टीम से वो करवा पाऊं जो करवाना चाहता हूं। स्वयं के भीतर बदलाव लाकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना। ये ट्रिक पकड़ लेंगे तो रास्ता तो जरूर मिले। और हमारे पास अपने आप को जांचने का बेस्ट थर्मामीटर क्या है, बिजनेस में ग्रोथ, सिस्टेमेटिक ग्रोथ, जुगाड़ वाली भी, अच्छी वाली ग्रोथ, सिस्टेमेटिक ग्रोथ, अच्छी वाली ग्रोथ, निरंतर ग्रोथ। सिस्टेमेटिक शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि केवल ग्रोथ मायने नहीं रखती है, ग्रोथ के साथ साथ आगे, हर बार आगे के लिए अच्छी तैयारी हो रही है, टीम से संबंध अच्छे हो रहे हैं, खुशी मिल रही है, मजा आ रहा है, टीम में लीडरशिप भी डेवलप हो रही है, ग्रोथ के लिए भी दो तीन सूत्र है। महीने ग्रोथ लाने के लिए महीने तैयारी करेंगे वो ग्रोथ का कोई बहुत बढ़िया आधार नहीं, महीने जो तैयारी करेंगे वो पूरे आगे के एक साल में ग्रोथ लाने के लिए तैयारी करेंगे, तब ग्रोथ आएगा। आगे का बेस कैसा बना रहे हैं तब ग्रोथ आएगी। भविष्य के लिए तैयारियां करना, जिस महीने सोचा और इस महीने लाना है तो ऐसे कुछ होता नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा। ग्रोथ तो तब आएगी जब हमारे टीम में प्रोडक्ट की नॉलेज रखने वाले साथी होंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज क्या एक ही दिन में आ जाएगी। ग्रोथ तो तब आएगी जब हमारे टीम के साथ अच्छी काउंसलिंग रहे, सबकी अच्छी प्लानिंग रहे, यानी उनमें लीडरशिप हो, तो क्या एक दिन में आ जाएगी। कौन सी ऐसी चीज है जो ग्रोथ के लिए एक दिन में या एक महीने में आ सकती, कोई चीज नहीं आ सकती। ग्रोथ के लिए भविष्य का आधार आज बनाना पड़ता है, आने वाले एक साल की ग्रोथ का आधार आज बनाना पड़ता है, आने वाले पांच साल की ग्रोथ का आज तैयारी करनी पड़ती है तो ग्रोथ आता है।
अपनी हर आदत को सही करते हैं तो ग्रोथ आती है। बड़ा सीधा सा रिलेशन है आदतों का ग्रोथ के साथ। सारी आदतें जो है ना बहुत अति आवश्यक है ग्रोथ के लिए, चाहे वो मुस्कुराने की आदत है, चाहे मेलजोल की आदत है, चाहे खुश रहने की आदत है, कि चाहे संबंध अच्छे बनाने की आदत है, कामों को नोट करने की आदत है, अपने काम से प्यार करने की आदत है। सारी आदतें जितनी भी आदतें, क्या एक दिन में आदत बदल जाएगी? एक दिन की तैयारी से, एक महीने की तैयारी से ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ के लिए पूरा आधार बनाना पड़ता है, भविष्य के लिए आज सोचना। और ग्रोथ कभी भी जुगाड़ से नहीं आती। जुगाड़ वाली ग्रोथ बहुत अस्थायी होती। ग्रोथ आती है जब हम मजबूत टीम का निर्माण करते हैं, स्वयं हम श्रेष्ठ उदाहरण बनते हैं, अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि हम हमारे अनुसार सब काम करें तो दिक्कत नहीं हो, ग्रोथ हो जाए। हम खुद ऐसे बन जाए हैं कि हमारे साथ हमारे जैसे सब बन जाए तो ग्रोथ आ ही नहीं सकती हो, तो फिर ग्रोथ कैसे आएगी? हर चीज में पीछे रहना, प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं होना, प्रोडक्ट की बात नहीं करना, विश्वास नहीं होना, बात बात पे लड़ाई झगड़ा कर देना, गुस्सा कर लेना, टीम से रिलेशन खराब कर लेना, बहुत दिनों तक बातचीत नहीं करना, अगर ये ऐसी बहुत सारी कमियां हम रखे और कभी खींच खांच के जुगाड़ करके ग्रोथ कर भी लेंगे तो आगे कैसे वो ग्रोथ चलेगी? तो हमको ग्रोथ अगर लानी है ना तो भविष्य का सोचो। अब इस महीने का तो सोचना ही पड़ेगा क्योंकि वर्तमान चल रहा है, ऐसा नहीं कि इस महीने का नहीं सोचना है, लेकिन केवल इस महीने का सोचेंगे तो चूक जाएंगे। केवल इस महीने का सोचेंगे तो चूक जाएंगे और यही चूक हम सबसे हो रही। हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये दिमाग में नहीं है कि उसको स्थायी ग्राहक कैसे बनाना। केवल दे दिया, खुश हो गए। ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो ये ज्वाइनिंग के साथ ये दिमाग में प्लानिंग नहीं है कि उस ज्वाइनिंग को एक्टिव कैसे करना है, उसको आरसीएम में लीडर कैसे बनना, उसको भी आरसीएम में बढ़िया ग्रोथ कैसे दिलानी है। हर ज्वाइनिंग के साथ हम वैसा कुछ कर नहीं रहेंगे क्योंकि आज ज्वाइनिंग करवा कर उसको ग्रो करेंगे तो भविष्य में जाके ग्रोथ आएगी। तो ग्रोथ कभी भी एक दिन की तैयारी का रिजल्ट नहीं है, ग्रोथ कुछ मजबूत चीजों पे स्थायी तैयारी का रिजल्ट है। जो भविष्य को देखना जानता है, जो भविष्य के लिए तैयारी करता है, उसकी तो ग्रोथ आना तय है। तो जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको फ्यूचर के लिए भी ध्यान में रखिए। हम कभी कभी क्या होता है कि लक्ष्य उसको मान लेते हैं जो वर्तमान में हो रहा है। चलो ज्वाइनिंग हो गई तो उसको ज्वाइनिंग को लक्ष्य मान लेते हैं कि 5 ज्वाइनिंग हो गई, वही लक्ष्य पूरा हो गया है। ज्वाइनिंग होना लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। उन ज्वाइनिंग 5 के 5 को रूबी बनाने के लिए हमारी ओर से क्या प्रयास हो सकता है, वो करते रहना हमारा काम है। और अगर हम ऐसा ख्याल करके और उसके अनुसार तैयारी करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे इशारे हैं
कि ग्रोथ आना संभवतः है, लेकिन हम भविष्य आधारित कार्य करें, भविष्य निर्माण आधारित कार्य करें, अपने आप को आज से तैयारी करना शुरू कर दें, अपने आप को आज से डेवलप करना शुरू कर दें कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, अपनी टीम को उतना मजबूत बनाएं, अपने प्रोडक्ट की तैयारी को, अपनी हर चीज को वैसा बनाएं कि आगे भी करना है, केवल इसमें ही नहीं करना है। और कैलकुलेशन में और बहुत छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना, अभी क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, ये सब चीजें होती है केवल कार्य को विस्तार देने के लिए, सबको समझाने के लिए, लेकिन असली मकसद का पूरा होता होगा जब हम रूबी बनेंगे या जब भी टेक्निकल के ऊपर जाएंगे। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, क्या मूल्यांकन करना है, क्या तैयारियां करनी है, ये सारा का सारा हमें समझना है। ध्यान कहाँ रहना, ध्यान भविष्य पे रहना चाहिए, भविष्य निर्माण, और जो रास्ता हमने पकड़ा है उसका मूल्यांकन करो और बदलाव करो, अपने आप को कभी भी ठीक मत करो, किसी को भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप, कुछ लोग अपने आप को ठीक मान लें, तो चाहे मैं भी हूं तो मुझे भी अपने आप को ठीक मानने का, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। तो ठीक मानना जीवन का सिद्धांत है ही, ये सबसे उलट सिद्धांत है अगर इस सिद्धांत पे कोई चलोगे। अपने आप को कितना गलत मान सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। गलत मानेंगे तो बदलाव की सूझेगी ना दिमाग में, अगर ठीक मान लिया तो बदलाव की कैसे सूझेगी बताइए, सिंपल थ्योरी है। अगर मैं ये मान लू कि मैं ठीक हूं तो मैं बदलूंगा क्या, जो जैसा बासी चल रहा है उसे भी करते रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेंगे ना कोई इंप्रूवमेंट करेंगे। तो आज के निष्कर्ष में हम पॉइंट नोट करने के हैं कि हमें अपने विशाल लक्ष्यों को कभी भी कम नहीं करना है, दूसरा उन लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं मूल्यांकन करते रहना है, और अपने आप की सारी कमियों को प्रतिदिन ढूंढता रहना और उसके अनुसार बदलाव करते रहना, ये एक सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें ग्रोथ नहीं आ रही है तो भी गलत है, ग्रोथ आ रही है तो भी और ज्यादा लाई जा सकती है, तो और ग्रोथ कैसे आती है, भविष्य के लिए आज तैयारी करनी चाहिए, ये पक्का मान लीजिए। जो भी हम गतिविधि करते हैं ना उसका भविष्य क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या करना चाहिए, सब कुछ, चाहे वो किसी को सेल करना, चाहे ज्वाइनिंग करवाना, चाहे टीम से बात करना, चाहे टीम के रिलेशन, सब कुछ में भविष्य क्या हो, भविष्य के लिए तैयारी करना। तो आज के लिए इन्हीं चीजों का हम अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं मोनालिसा हो आज का and the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.